Well, the thing is that you calculate the carbon footprint of whole ship, then you divided it by the number of people who go into the ship. Then accordingly you come to know about each and every person's carbon footprint in this expedition. So based on that, you offset it buying these carbon credits and investing it in some clean projects across the globe. If we talk about those big things that like we should move to renewable energy, we should do some big projects, and also I think that is the work of the government at large. That is the work of policy makers, that to change policies. Although we are very much part of it, but if we as an individual contribute our bit, small bit. We normally we think यार मेरे एक बटन ये स्विच ऑफ करने से क्या ही फर्क पड़ेगा अगर मैं करके बाहर एक रूम से दूसरे रूम में जा रहा हूँ, एक ही लाइट तो जल रही है, कितना ही ज़्यादा ज़्यादा हाँ मतलब एनर्जी कंज्यूम होगा. बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट ग्लोबली, वी आर लाइक अराउंड 7 बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड, एंड हेयर इन इंडिया वी आर अराउंड 1.2, क्लोज टू 1.3 नाउ बिलियन पीपल. सो इफ इवन इफ हाफ ऑफ अस थिंक अबाउट इट एंड सेव 1 मिनट का एनर्जी, 1 मिनट का वन बल्ब, सो इट कैन लीड, इट कैन हैव ह्यूज इम्पैक्ट इन रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट. इट्स जस्ट अबाउट स्विचिंग ऑफ अ लाइट वेन यू आर नॉट इन दैट रूम, राइट? एंड फॉर एग्जाम्पल आई नो पीपल, आई नो माई फ्रेंड्स, आई फील आई एम लकी इनफ टू मीट दोज एंथुसियास्ट इन अंटार्कटिका फ्रॉम वेरियस कंट्रीज. सो आई नो देम हु मेनी ऑफ देम दे टेक देयर ओन मग टू कॉफी शॉप, you know, just to save that plastic. So they think that even if I save a single mug of plastic, so it is reducing that one mug ka demand, right? So that is further reducing uska cutting of trees or further manufacturing of those plastics and all. So itna ye choti choti cheeze hain which could lead a huge impact in reducing the carbon footprint. For example, shower time hum kam karte hain. Generally humko ek bar shower khul gaya to 4-5 minute mein maza aata hai nahane ka, but we know 1 minute mein hamara nahana ho sakta hai. We'll end up saving water, राइट? अगर हम कंजर्व करें रेन वाटर, हर घर में कंजर्व करें, फॉर एग्जांपल हम घर में भी अपने जो है सोलर पैनल्स लगाएं फॉर हीटिंग ऑफ द वाटर, सिर्फ वाटर हीट करने के लिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो हम हमारा लाइक ब्रॉडर विजन है, फॉर एग्जांपल हमारा नेशनल मिशन ऑन सोलर एनर्जी, कि हम विल बी लाइक विल नॉट जस्ट बी द कंज्यूमर ऑफ एनर्जी बट विल ऑल्सो बी द प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी. बट दैट्स समथिंग बिग. मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम अभी बैठ के कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेन वी गिव प्रिंट आउट, हम बोथ साइड प्रिंट आउट निकालें, और अगर हम प्रिंट आउट निकाल रहे हैं हम अपना फॉन्ट छोटा कर दें सो दैट इंस्टेड ऑफ 100 पेजेस वो 70 पेजेस में मेरा वो काम निकल जाए, विच इज़ रीडेबल, विच इज़ लाइक लेजिबल. तो हम ये छोटी छोटी चीज़, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टू रिड्यूस आर कार्बन फुटप्रिंट, जो हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं, से आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ एन कैलिफोर्नियन एप्पल और अ पीच फ्रॉम चाइना. सो इफ़ आई एम लाइक फॉन्ड ऑफ एप्पल फ्रॉम कैलिफोर्निया, सो कैलिफोर्निया से वो एप्पल लोड होगा, फिर वो वहाँ के पोर्ट पे आएगा, उस पोर्ट से वो इंडिया के पोर्ट पे आएगा, फिर मेरे तक पहुँचेगा तो कितनी गाड़ियों से, कितनी ट्रांसशिपमेंट से, कितना डीजल जो पूरी शिप का होगा उसका भी तो आप डिवाइड करेंगे, उस पर्टिकुलर एक एप्पल का भी कोई कार्बन फुटप्रिंट होगा. बट वही एप्पल अगर मैं शिमला से मंगाता हूँ और यहाँ खाता हूँ तो उसका कार्बन फुटप्रिंट कम होगा. सो माई पर्पज़ इज़ नॉट टू कि हम बाहर की चीज़ ना लें. माई मतलब इंटेंशन इज़ कि हम लोकली उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ाएं चीज़ों की, रादर देन दूर से आने वाली चीज़ों की डिमांड हम ज़्यादा बढ़ाएं. जब हम देख रहे हैं कि 1 मिनट से ज़्यादा का जो लाइट होती हैं ये ट्रैफिक लाइट, अगर 1 मिनट से ज़्यादा तक की है तो हम अपना स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, अपनी गाड़ी का चाबी बंद कर सकते हैं, स्कूटर का या गाड़ी का, तो उससे भी विल एंड अप सेविंग लॉट्स ऑफ एनर्जी. हम अगर सिम पे खाना बनाएं रादर देन फुल गैस पे, तो उससे भी हम काफ़ी, एक तो खाना टेस्टी भी बनेगा, प्लस ऑल द टाइम कंज्यूमिंग है, बट इन छोटी छोटी चीज़ों से हम अपना बहुत कर सकते हैं, हम वी कैन रिड्यूस आर कार्बन फुटप्रिंट. थोड़ा सा भी कुछ ग्रीन आप उगा रहे हैं ना, सो वो आपको हेल्प कर रहा है, बिकॉज ये ना कि सिर्फ आपको ऑक्सीजन दे रहा है, बट इसका मेन पर्पज़ है ये कार्बन को सिक्वेस्टर कर रहा है, ये इट इज़ अ सिंक ऑफ फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड. सो आप जितना ग्रीनरी बढ़ा रहे हैं उतना यू आर रिड्यूसिंग द कार्बन फ्रॉम द एटमोसफेयर, यू आर हेल्पिंग इट टू सिंक डाउन इन टू योर छोटे से गार्डन में, चाहे छोटा सा ही हिस्सा कर रहे हो लेकिन यू आर कंट्रीब्यूटिंग योर बिट. सो दैट्स हाउ इट इज़. एंड लाइक आई टोल्ड अबाउट द एविडेंसेज, आई मीन आई शेयर दैट अंटार्कटिका थिंग, दैट वन वी वेंट टू दैट प्लेस यू आर एबल टू सी फील सम एविडेंसेज. फॉर एग्जाम्पल जो ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, सी ग्लेशियर, व्हेन दे फॉल इनटू द सी दे बिकम आइसबर्ग्स, राइट? तो वो आइसबर्ग्स इतने छोटे छोटे हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स उनकी मेल्टिंग हो रही है, एंड वी आर एबल टू सी दोज क्रिस्टलाइन आइस
which, as per the historians who were along with us, the marine biologists were with us, and you know, some glaciologists were with us. So they said that they belong to around 10 to 20,000 year old ice. So if in case you are able to see that ice, so that means that that itself speaks ki kitna zyada melt ho chuka hai. So which generally would have been the lowest most portion of the iceberg, and if that is only seen, to iska matlab upar ka sara iceberg jo hai chala gaya. So that is because of the climate change only. Antarctica pe ho raha. Then there was another evidences, we happened to see those Adélie penguins. So we saw a place which was a colony of Adélie penguins earlier, but which has been now replaced by the Gentoo penguins, because it was seen that the chicks of Adélie penguins were dying, because Adélie penguins have a thinner layer around them. So unke chicks jab mar rahe the, to they further shifted to down south. So these were some of the, you know, evidences, and they even showed us some pictures in the same month, taken in the same month in different years, and we could actually see the amount of sea, amount of continental ice that is melting. So sea ice is not an issue, because Antarctica, the peculiarity about Antarctica is that its size increases to 1.5 times also during winters. So sea ice, normally it melts and it, you know, expands during, you know, alternating seasons. But when the continental ice is melting, so that is an issue, because it stores around 70% of the fresh water, right? If it melts, it would further, you know, give rise to the sea level, and that is a cause of concern. So we were able to see that also, because those icebergs were basically the glaciers of the continental glaciers being, you know, who were dragged from as far as Ross Ice Shelf area and to that particular area that we went to in Antarctic Peninsula, and that place is called as the death garden of the icebergs. So that is how it is. I mean, changing temperature of the globe and then climate change.